हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड के बारे में। वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड है क्या, कैसे किया जाता है और इससे कैसे बचें, सतर्क रहें। तो दोस्तों, प्लीज बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड होता क्या है, वॉइस क्लोनिंग क्या होता है। आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो वॉइस क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान की आवाज को हूबहू कॉपी कर देना, क्लोन कर देना। इसी की मदद से हैकर्स फ्रॉड कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो किसी भी इंसान की आवाज को हूबहू प्रोड्यूस कर देते हैं और उसकी मदद से वो फ्रॉड करते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर अगर आप किसी टेक्स्ट को लिख देते हैं तो उस टेक्स्ट को पढ़कर उसी इंसान की सेम टू सेम वॉइस को वो प्रोड्यूस कर देता है, उसी प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल करता है, उसी स्पीड का इस्तेमाल करता है, उसी फ्लो का इस्तेमाल करता है और एकदम उसी तरह की वॉइस को वो प्रोड्यूस कर देता है। आप भी नहीं समझ पाएंगे कि ये रियल पर्सन की वॉइस है कि आर्टिफिशियल वॉइस है। और अब तो टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ गई है। अब क्या होता है कि स्पीच टू स्पीच वॉइस को प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि अगर कोई इंसान रियल पर्सन की वॉइस को बनाना चाहे तो किस तरह से बनाएगा कि अगर वो जो चीज बोलेगा वो कन्वर्ट होके उसी इंसान की वॉइस में बदल जाएगी। यानी कि अगर मैं चाहूं आपकी वॉइस में बोलने के लिए तो मैं उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बोलूंगा और आपकी वॉइस निकलेगी। तो इस तरह से हैकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से लोगों को ठगा जा रहा है। अब मैं आपको कुछ मामला बता देता हूं कि किस किस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। क्या हो रहा है कि किसी कंपनी के डायरेक्टर को किसी विधायक का कॉल आता है और वो कॉल विधायक का नहीं होता, उसकी आवाज में आर्टिफिशियल वॉइस बनाई जाती है, वॉइस क्लोनिंग करी जाती है और उससे 6 लाख की ठगी कर ली जाती है पार्टी फंड के नाम पर। इसी तरह किसी पेरेंट्स को फोन आता है उनके बच्चे की आवाज में और उनसे इमरजेंसी पैसे की डिमांड करी जाती है और वो पेरेंट्स ये समझ के दे देते हैं कि उनके बच्चों को जरूरत है और उनके साथ ठगी हो जाती है। इसी तरह किसी कंपनी के सीईओ के पास कोई मेल आता है, उसमें बताया जाता है कि सप्लायर को पैसे की जरूरत है और ये सब चीज बताने के बाद उस सीईओ के साथ ठगी हो जाती है। और इस वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल कॉल सेंटर्स लोग भी कर रहे हैं, जो फेक कॉल सेंटर्स चला रहे हैं। बाहर के लोग स्थानीय लोगों की आवाज निकाल कर बनाकर उनसे बैंकिंग डिटेल्स पता कर लेते हैं, उनसे फ्रॉड कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन करवा देते हैं। और इसका इस्तेमाल डीप फेक वीडियोस बनाने के लिए भी हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है, आप देखते होंगे कि बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है, बहुत सी वायरल वीडियोस आ जाती है सोशल मीडिया पर, बहुत से वायलेंस वाले वीडियोस आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल करके ऑडियो का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जिससे लगता है कि उस इंसान ने बोला या उस इंसान ने किया। तो एक गलत एनवायरनमेंट बना दिया जाता है जिसके वजह से काफी रूमर फैल जाती है, एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, कुछ लोगों को फायदा हो जाता है, बाकी लोगों को नुकसान हो जाता है। अब इस वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड से कैसे बचें? दोस्तों, हैकर्स जब भी इस तरह का फ्रॉड करना चाहते हैं तो उसके पीछे उनका मेन मोटिव यह होता है कि वो आपके जेब से पैसे निकाले, वो ठगी करें, आपके साथ फ्रॉड करें, तो उनका यही मेन मोटिव होता है। तो जब भी कोई कॉल आएगी और आपके पहचान वाले की आवाज में वो बात करेंगे तो वो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, आपसे कभी कहेंगे कि उनको इमरजेंसी फंड की जरूरत है, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहते हैं वो, तो इस तरह की बात वो करेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो उसी नंबर से फोन आता है कि नहीं, कोई अननोन नंबर से फोन तो नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद आप उस इंसान की आइडेंटिटी को वेरीफाई करिए, कंफर्म करिए कि वही इंसान है कि नहीं, कि कोई और इंसान है। उसके बाद अगर आप उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर लेते हैं तो आप पैसा देने से पहले आप उससे एक बार फेस टू फेस मिल लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि वो कोई और भी इंसान निकल जाए। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का आप इस्तेमाल ज्यादा मत करिए क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो आप जब उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर लीजिए उसके बाद ही आप आगे कोई डिसीजन लीजिए। इस तरह से आपके साथ फ्रॉड होने से बच सकता है। दोस्तों, आप सतर्क रहें, आने वाले समय में इस तरह का देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो चीज आप देख रहे हो, जो चीज आप सुन रहे हो वो सही हो ही ना। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।